एवरीवन, तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मैं अभी नैनीताल में नहीं बल्कि हल्द्वानी में हूँ वैसे तो, पर यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी और पसीना पसीना। सुबह 10 बजे है और पसीना हो रहा, बाहर आके थोड़ा ठीक लग रहा है, अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बादल लगे हैं सुबह से ही, ऐसा लग रहा कि देखो बाहर ऐसा लग रहा कि बारिश होगी, पर बारिश आने के फ़िलहाल कोई आसार नहीं है। बारिश जो है बिल्कुल अभी होगी नहीं होगी, पता नहीं है कब होगी, इस चक्कर में और काम भी नहीं हो पा रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मैं हो गई हूँ घर में बैठे बैठे बोर। और ये देखो ये भी आ रहा है यहाँ से, ये क्या है, क्या है, ये देखो वहाँ से मेरे को देख रहा है, मार खाएगा। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करूँ, थोड़ा टाइम पास करती हूँ, यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और अच्छा खासा कुछ काम भी हो जाएगा। तो कुछ आज होममेड रेमेडी आपको दिखाने वाली हूँ, कैसे मैं ब्यूटी हैक्स जो है कुछ करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अब मैं जाती पहले नीचे, पहले मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या सामान है ब्यूटी हैक्स के लिए, क्या क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सब दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर पूरा रेमेडी आपको करके दिखाने वाली हूँ कि आप देखिएगा कितना उसे जो है वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और ये है मेरे हाथ में नाइफ लेके आ रही हूँ मैं, चाकू लेके जा रही बाहर, और दिखाती हूँ क्या करने वाली हूँ चाकू लेके बाहर। कितना दिख रहा है इधर को, ये देखो ये है एलोवेरा, तो मैं ये ले लिया मैंने एलोवेरा, और इससे मैं करने वाली हूँ कुछ स्पेशल हैक्स। जाती हूँ इसे लेके अंदर। एलोवेरा जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और मैंने बहुत सारे लगाया है एलोवेरा, बाहर भी लगाया, गेट के बाहर भी और गेट के अंदर भी मैंने बहुत सारा लगाया हुआ है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों के काम आता है। ये दिखाती हूँ गेट के अंदर भी, ये देखो यहाँ भी मैंने बहुत सारा एलोवेरा लगाया हुआ है, तो ये जो है काम आता है। तो ये मेरे पास है एलोवेरा, और मैं इसको ऐसे काट के इसका निकाल लेती हूँ, इसको काट के इस तरीके से। मैंने बहुत देर पहले इसको तोड़ के जो था रख दिया था, इसका थोड़ा जो गंदा रस होता है वो निकालने के लिए, और अब मैं इसको इस तरीके से काट के इसका निकाल लेती हूँ। ये जो इसका जेल है अंदर का, इसको निकाल लेते हैं जेल को, और फिर इस जेल से हम कुछ करेंगे इस तरीके से करके, इसको स्पून से निकाल लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे निकाल के इसको रख लेते हैं कटोरी में। एलोवेरा जेल जो है ये स्किन के लिए और बालों के लिए ये जो है बहुत अच्छा होता है, तो ये मैंने निकाल के इसमें कटोरी में इसमें निकाल लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं तैयार हूँ अपना आज का जो है होम रेमेडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने बालों को ऊपर, इस तरीके से क्लेचर लगा के बालों को कर लेती हूँ ऊपर। और मेरे पास क्या क्या है, ये है एलोवेरा जेल, ये मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इसको मैंने निकाल लिया था अच्छे ढंग से। और ये है नारियल तेल, और इसमें है ये हल्दी, और साथ में ये है चावल का आटा, ये मैंने लिया है। और इस बाउल में है मेरे पास है दही, और इससे अब मैं काम करने वाली हूँ। और ये मेरे पास है हाफ़ लेमन, ये मैंने लिया है हाफ़ लेमन, और ये लिया है कॉटन, और ये मेरे पास है घर पर बनाया हुआ गुलाब जल। तो ये रोज़ वाटर है जो कि घर में बनाया हुआ था और मैंने एक बोतल पर रखा हुआ था फ्रिज पर। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ कि कैसे आज की मेरी होम रेमेडी कैसी रहती है, तो टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से ले लेती हूँ। Thank you.
ये है एलोवेरा जेल, और इसको इस तरीके से अगर जेल को आप ऐसे ऐसे घिस लेते हैं चेहरे पर, बालों पर भी लगा सकते हैं इसे, इसे चेहरे पर, बालों पर, कहीं पर भी आप लगा के इससे जो है स्किन में अगर आपको सनबर्न हो गया है तो उससे भी इसको राहत मिलती है, हाइपर पिगमेंटेशन और जो भी है इसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और थोड़ा मेरे जो चेहरे पर जो पिगमेंटेशन हो गया था, थोड़ा सा इससे काफ़ी रिड्यूस हो रहा है ये, और ये काफ़ी अब लगभग सही होने वाला है, काफ़ी कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया था ये पिगमेंटेशन और अब थोड़ा सा सही है। और अगर आपको कहीं पर सनबर्न हो जाए या कहीं पर अगर जल जाए तो वहाँ पर भी आप जले के निशान में भी एलोवेरा को लगा सकते हैं, तो उससे जो है ये काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मैं इसको इस तरीके से घर का बना हुआ, घर का बिल्कुल ये बिना विदाउट एनी केमिकल है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो इसको हम इस तरीके से सीधे सीधे अपने चेहरे। देखो पूरा फेशियल करके और पूरा मेकअप करके अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी बढ़िया लग रहा है। और देखो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, बिल्कुल।